Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सभी? और आज जस्ट रैंडम मैंने फोन उठाया क्योंकि आज का मौसम इतना अच्छा है, मतलब इतने टाइम से गर्मी हो रही थी और आज इतनी राहत मिली, बारिश का मौसम हो गया है यहाँ पे और सुहावना मौसम है। और मैं और गौरव निकल चुके हैं पार्क की तरफ। हम लोग डेली पार्क जाते हैं जहाँ गौरव ने अपनी UPSI फिजिकल की रनिंग के लिए प्रैक्टिस करी थी। काफ़ी सारी यादें हैं इस पार्क में, तो आज हम आपको उसी पार्क में ले जाते हैं, दिखाते हैं। तो आज का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, मज़ा ही आ गया। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही थी इतने टाइम से, तो आज इतनी राहत मिली है और आज सोचा थोड़ा हम घूमने ही निकल पड़ते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है पार्क का, मजा आ गया। दिखाती हूँ आपको। कहाँ भागे जा रहे हो मुझे छोड़ के? मतलब साथ चलना पड़ेगा ना, ये नहीं देखो, मैं ये पार्क दिखा रही थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया पार्क है और इसी में मैं रनिंग भी करता था। मैं बताऊंगा पूरा मेरा ट्रैक कौन सा हुआ करता था, 400 मीटर का। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी है और ये फुटबॉल बड़े बच्चे भी खेलते हैं, जैसे लोग यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए आते हैं। यार ट्रैक पे तो पानी भर चुका है। कहाँ भर गया पानी? ये देखो। ओह शिट, ये तो पानी भर गया। वॉक कैसे करेंगे? नहीं कोई नहीं, आज नहीं करेंगे वॉक, नहीं करेंगे, अंदर में कर लेंगे। नहीं। ये रहा ना, अंदर में कहाँ भरा हुआ पानी, अंदर में नहीं भरा हुआ। बट आज का मौसम इतना ऑसम हो रखा है ना कि वॉक भी ना करके ओनली घूमने के लिए अपना बैठो एंजॉय करो। मतलब गर्मी की वजह से एंजॉय कर भी नहीं पा रहे थे और आज मौसम इतना बढ़िया, इतना रोमांटिक, इतना बढ़िया हो गया है ना भाई। एक बार आप पार्क देखो यार, इतनी सीनिक फीलिंग आती है ना इस पार्क में। ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर देखो गाइस, ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर। हाँ तो ड्रामे कर ले। चलो अंकल जी आ रहे हैं लौटते हुए। हाँ यहाँ पे हर एज ग्रुप के आपको लोग मिल जाएंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हो बड़े हो हम जैसे। भाई मैं बताता हूँ मेरा कौन सा चक्कर हुआ करता था, मतलब 400 मीटर का एक राउंड ये वाला है ना। मतलब वैसे तो ये राउंड बहुत बड़ा है, वैसे तो ये पार्क जो है इसका राउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास का है, पर जो मैं दौड़ता था यहाँ से शुरू करता था मैं, और ये एक राउंड था इसके पार्क का यहाँ से ये स्क्वायर में, ये पूरा एक हुआ करता था 450 मीटर का। तो इसके 12 राउंड लगाता था मैं इसके। तो भाई मैं इस वाले पार्क के लगाता था 12 राउंड, ये एक राउंड मैंने आपको दिखा दिया 450 मीटर का था। तो बस इस पार्क में लगाई थी रनिंग मारी थी और 24-25 मिनट में आ जाती थी और वहाँ भी आ गई 24-25 मिनट में। गाइस यहाँ पे ना बस एरोप्लेन ही एरोप्लेन हर 15 मिनट में आते जाते रहते हैं, तो ये भी एक तरह से हमें इसकी भी आदत पड़ गई है क्या, है ना। अभी हमें वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा था क्योंकि एरोप्लेन आ रहे थे। हाँ जी आप क्या कह रहे थे बताइए आगे। तो
भाई मैं पहले जो दौड़ता था तो मेरी निकलती थी रनिंग 25-26 मैन, मतलब पहले तो ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस हुई तो 25 मिनट में निकलने लगी और मेरी वहाँ भी 25 मिनट में हो गई थी बारह राउंड। ठीक है, ये कौन से पक्षी आ गए यहाँ पर? उनके उसका बच्चा कितना प्यारा है वो। हाँ, ये वाला। वाओ, आज इन सारे पक्षियों को पानी मिल चुका है, बारिश हो गई है। अरे कहाँ जा रही है अभी? मैंने वॉक कर ली है, मैं थोड़ा सोच रही हूँ। सो गाइस, वॉक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं हम। आप अनुजा को देख लो वर्कआउट करते हुए। अनुजा स्टार्ट। वाओ, चले अब घर चलते हैं। ओके, छोड़ के चला जाओ तुझे। अच्छा। पैदल। और सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमने थोड़ा सा शूट करा था, आपको थोड़ा झलक दिखा दी कि हम शाम को क्या करते हैं। तो चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम वीडियो बनाएंगे। तो टिल देन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।